Good afternoon to all. This is Navneet Jangir from Adarsh Pandikaran Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss about one of the topic of our speech grammar, that is called voice. In this session we are going to discuss about what is voice and the what type of voices we are study and read. There are two parts of this voices. First is active voice, second one is passive voice. आज हम पढ़ने वाले हैं अपना voice का chapter है class 6 के लिए. इसमें हम पढ़ेंगे कि वॉइस के टाइप कितने होते हैं. अपने जो वॉइस है दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट अपना है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस में है. ठीक है, इसका तरीका यही है कि जब क्या हो कि जब सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट से बात करी जाए, मतलब जब हम कोई एक्शन सेंटेंस बता रखा है और उस एक्शन को कोई करने वाला सब्जेक्ट डायरेक्ट उससे जोड़ रखा है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. ठीक. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर क्रिया को रखा जाता है, उसके ऊपर वर्ब से काम करवाया जाता है, तो वो अपना होता है पैसिव वॉइस. ठीक है. अब पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के अपने चार रूल है, फोर रूल्स हैं जो अपने हर जगह काम आते हैं. फर्स्ट रूल अपना क्या है कि जब हमें एक्टिव वॉइस से चेंज करना हो पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट रूल अपना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास ही दे रखा है सब्जेक्ट के अंदर, तो हमें बनाना है ही का ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वही रखना पड़ेगा. ही का जो भी ऑब्जेक्ट होता है हिम, वो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हमने ही को उठा के ही रख दिया, नहीं. क्या करना पड़ेगा, ही यहाँ पर सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में जाके क्या बन गया, वो पैसिव वॉइस में वो बन गया ऑब्जेक्ट, तो हमें ही का क्या रखना पड़ेगा, हमें ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रखना पड़ेगा. ठीक है. रूल नंबर टू क्या कहता है, रूल नंबर टू ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट. ठीक है. अगर यहाँ पर हिम दे रखा है, यस सर, ये लिखना है क्या नोटबुक में, ये पहले कराया हुआ ना आपको? यस सर. बस रिवीजन है, जो चीज नहीं लिखे ना, जो चीज न्यू लगे आपको वो लिख लेना. ठीक है. यस सर. तो बाकी सब ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेशन रखो, फोकस रखो पढ़ने पर. जो भी आपको ऐसा रहे कोई चीज नहीं बताइए सर ने, उसको राइट डाउन कर लेना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि रूल नंबर टू है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट. अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हिम दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हिम का कहना मतलब है कि जो भी हमारे पास प्रोनाउन है अगर उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को चेंज करना सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उनको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना पड़ेगा. ठीक है. रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि हमेशा जो मैन वर्ब होगी, जो मैन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी. और रूल नंबर फोर ये कहता है कि जब हमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है जब हम उसको बनाते हैं पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये है हमारे चार रूल जो हमारे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में काम आने वाले हैं. इसके बाद में हम देखते हैं कि टेंसेज में क्या चेंज होते हैं. तो टेंस में बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होता है. जिस टेंस में अगर कोई काम पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है कोई काम, तो वो भी सिंपल पास्ट में ही रहेगा. बस इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज होगा इसको लिखने का जो तरीका है, बस उसी को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. जो हमारा अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो हमें उसको सिंपल पास्ट में ही रखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमें उसके काम का जो टाइम है उसको चेंज नहीं करना है, हमको बस ये चेंज करना है कि सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट. ठीक है. अब जब हम सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमें थोड़े से चेंज करने होते हैं. ठीक है. और उसी चेंज की वजह से क्या होता है,
जो टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें चेंज हो जाता है बस, ठीक है। जैसे कि जैसे मान लो अगर हमने सेंटेंस लिखा ये ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, ठीक है। हमने सेंटेंस लिखा ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, तो हमारा रूल कहता है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। हमने कैसे देखा इसको एक्टिव वॉइस में है, हमें ये कैसे पता कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो काम करने वाला कौन है, ही है, एक ऐसा इंसान है, एक सजीव वस्तु है, एक क्या बोलते हैं लिविंग बीइंग है। जब भी कोई लिविंग बीइंग सब्जेक्ट में हो तो वो काम करता है, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये देखना है कि जो काम हो रहा है उसका डायरेक्ट असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है फिर नहीं पड़ रहा है, फिर काम को करने वाला सब्जेक्ट ही है, कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है। जब हम इस एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना पड़ेगा इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो क्या होगा अ लेटर, ठीक है। अब मैंने बताया कि आपको जिस भी टेंस में है उसी टेंस में रखना है, ठीक। अब अ लेटर इज, फिर अपना आता है रिटन बाय हिम, ये हमें ऐसे ऐसे बदलाव करने इसमें पढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अपने सिंपल प्रेजेंट में है, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में है, इनमें टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ है? बस चेंज हुआ है इसमें और इसमें, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म बी फॉर्म मतलब इज आरएम प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही माना जाता है। बस इसको ऐसा समझा जाता है कि इसमें काम करने वाला क्या है, काम करने वाला इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, हमने जो इसमें सब्जेक्ट बनाया है उस काम को किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बदलाव होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें बदलाव करने के तरीके कैसे कैसे, मतलब किन किन अप्रोच को, किन किन रूल्स को हम फॉलो करके इनमें चेंज करते हैं, ठीक। और इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे इसमें सेंटेंस कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, ठीक। अपना फर्स्ट सेंटेंस होगा इसमें असरेटिव, असरेटिव, ठीक है। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सामान्य वाक्य। ठीक है, ये कैसे होते हैं? एक होता है अपना पॉजिटिव, वैसे तो हर सेंटेंस होता है पॉजिटिव, और सेकंड है नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव क्या होता है? सामान्य वाक्य होता है। सामान्य वाक्य में हम दो पढ़ेंगे, इसका पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा अपना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव। थर्ड होता है अपना इंपेरेटिव, क्या होता है? इंपेरेटिव, ये अपने सामान्य वाक्य हैं, ये अपने प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और ये अपने ऐसे वाक्य हैं जो शुरू होते हैं अपने लेट से, ठीक है, लेट से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। फर्स्ट हम चलेंगे अभी असरेटिव के ऊपर, सामान्य वाक्यों के अंदर, ठीक। और उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि टेंसेज में चेंज चेंज कैसे होते हैं। अगर एक साइड अपना एक्टिव वॉइस, दूसरी साइड अपना है पैसिव वॉइस, ठीक है। जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर डू या डज होता है, जब भी एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज रहती है तो डू डज को चेंज कर देंगे अपन इज आर एम में, ठीक है। और रूल क्या कहता है? अपना रूल कहता है कि हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पे अपनी आ जाएगी बी थ्री या फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, ओके। अगर यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है या ई एस जुड़ा है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म में अपना
प्लस एस या ई एस है तो इसका भी क्या रहेगा, इसका भी सेम ही रहेगा, इज आर एम वर्ब में थर्ड फॉर्म। मतलब क्या होगा, मतलब कहने का ये है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर एक सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और जब हमें उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो डू डज की जगह हम लगा देंगे इज आर एम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दे रखा है तो भी हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आर एम लगा देते हैं और वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो कि हमारा रूल कहता है। ठीक, अगर इज आर एम प्लस आई एन जी क्या हो, इज आर एम हो और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो और आई एन जी हो तो क्या होगा, हमें ये टेंस कौन सा है, ये टेंस अपना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जब हम एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे तो पैसिव वॉइस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखना पड़ेगा। तो इज आर एम, ठीक है, अब ये जो आई एन जी है ना, इस आई एन जी की वजह से हम इसमें लगाते हैं बींग, बी ई आई एन जी बींग, और रूल कहता है वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी बींग क्यों लगाया हमने, कि जो आई एन जी क्या कर रहा है, आई एन जी शो कर रहा है काम को कंटिन्यूस होने का तरीका बता रहा है ना, बता रहा है ना कि जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बींग क्या कर रहा है, बींग जो है ये बींग जो है इस थर्ड फॉर्म को, इस थर्ड फॉर्म को दिखा रहा है कि जो काम हो रहा है वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पर हैज और हैव, अगर हैज और हैव होते हैं तो भी क्या करेंगे, इज हैज हैव को अपन चेंज कर देते हैं। तो क्या हुआ बेटा? नो सर, कुछ नहीं। ओके, हैज हैव है तो इज हैज हैव को हम चेंज कर देंगे हैज हैव प्लस बीन के अंदर और साथ में लगा देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम प्रेजेंट परफेक्ट में उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें बीन लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी। आगे बात समझ में, बीन क्यों लगाया इसमें, बीन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है सब्जेक्ट और उससे हमें काम करवाना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसको बीन लगा दिया है। ये सारे हैं, ये सारा अपना प्रेजेंट टेंस का है, सारा अपना प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसी की तरह हमारा पास्ट टेंस भी होगा। ठीक है, डू डज हमारे प्रेजेंट में आते हैं, अगर डू डज यहाँ पर प्रेजेंट में आ है और इसके जगह डिड हो तो क्या कर देंगे अपन, इज आर एम कर देंगे वॉज वर्ब में, जैसे कि हम बात करते हैं अपन पास्ट टेंस की। अगर क्या हो, अगर ये वही यहाँ पर हमारा डिड है या सेकंड फॉर्म है, डिड है या सेकंड फॉर्म है, ये दोनों ही हमारे चेंज हो जाएंगे वॉज वर्ब के अंदर और साथ में आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर वही यहाँ पर हमारा हैड है, क्या है, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो हैड का बन जाएगा हमारा हैड बीन और साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके हमारे ये होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई पैसिव दे रखा है उसको हम एक्टिव करना है तो हम ये फॉर्म यूज ले लेंगे, अगर एक्टिव दे रखा है उसको पैसिव बनाना है तो हम इससे ये फॉर्म बना देंगे। ठीक है, देखो थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब जैसे हरी हरी प्लेज क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस में क्या हो, फर्स्ट फॉर्म है और साथ में क्या है, फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ईएस है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम इज आर और एम में और साथ में वर्ब में थर्ड फॉर्म।
ये हमने अभी पढ़ाया भी, हमने देखा है। तो हमारा ये एक्टिव वॉइस है, अनएक्टिव वॉइस, इसमें हमारी मेकअप कैसी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, है ना, फर्स्ट फॉर्म प्ले साथ में एस दे रखा है, प्लेज हो गया। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो तो क्या करेंगे, पैसिव के अंदर अपन इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगा देंगे, ठीक है, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो रूल फर्स्ट कहता है कि जब हमें सब्जेक्ट से बनाना है ऑब्जेक्ट तो क्या करेंगे, तो हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं अपन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना है क्रिकेट, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो क्रिकेट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जो क्या आएगी, इज आर, इज आर एम में से एक आनी चाहिए, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या जाएगी, इज। अब हमें करना है, हमें क्या लगाना है, अब हमें यहां पर क्या लगाना है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की, वर्ब मतलब जो एक्शन, क्या एक्शन किया इसने हरी ने, एक्शन किया प्ले का, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड। फिर रूल फोर्थ क्या अपना, रूल फोर्थ है, सॉरी रूल थर्ड क्या अपना, रूल थर्ड है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इस ऑब्जेक्ट से पहले अपन बाय का यूज करते हैं, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हरी, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, समझो दोनों को इसको, कि हरी प्लेज क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बना दिया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हरी, के हरी के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, जो बाय है ना, ये बाय शो करता है द्वारा, ठीक है, हरी के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ओके। अब देखो, ही इज He is playing cricket. कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ये अपना टेंस है, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। अब अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हमें पैसिव वॉइस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखना पड़ेगा, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है, ओके जी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ये एक्टिव में है, इसको बनाना है पैसिव के अंदर। तो फर्स्ट रूल, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो क्या होगा यहां पर, क्रिकेट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है इज आर एम प्लस आई एन जी, और अभी हमने देखा है कि जब एक्टिव वॉइस में इज आर एम प्लस आई एन जी हो तो पैसिव वॉइस में वो चेंज हो जाता है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, आई एन जी है इसलिए बीइंग आ गया, और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी, जो भी एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, एक्शन हो रहा है प्ले, खेलने का काम हो रहा है, प्ले की वर्ब आई, तो ये बन जाएगी थर्ड फॉर्म पी एल ए वाई ई डी। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, अब हमारा काम आता है रूल थर्ड क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का यूज करेंगे। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, अब यहां पर ये हिम क्यों आ गया, ही क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस ही को बनाना है ऑब्जेक्ट, इसलिए हमें क्या चाहिए, इस ही का हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही चाहिए, जो कि क्या होता है, जो कि होता है अपना हिम, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, ही की जगह हिम का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स,
अभी हम देखते हैं अपने एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया। एक्टिव वॉइस में है और टेंस कैसा अपना सिंपल पास्ट टेंस है। जब एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस भी सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेगा। बस चेंज किस में होगा, इसको लिखने के तरीके में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रूल, जब भी हमें एक्टिव से चेंज करना होता है पैसिव में, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, जो ये क्या है, अ मैंगो, अ मैंगो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब चाहिए ना, क्योंकि हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। जब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है तो बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं चाहिए। और अभी हमने देखा था कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब में सेकंड फॉर्म हो, सर का पूरा हो गया था, अगर सुना सर की बात, जशवनी टर्न योर माइक ऑफ। अभी हमने देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब में सेकंड फॉर्म हो और उसको जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सेकंड फॉर्म की वजह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वॉज और वर का यूज होगा। ठीक है, और वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब में अपनी आएगी थर्ड फॉर्म, ये हमने रूल देखा है। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अपनी आनी चाहिए वॉज और वर में से एक आनी चाहिए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है वॉज आएगी या वर, यह अपना डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पर, सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, मतलब एक ही मैंगो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, अ मैंगो वॉज, फिर थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है, एट, एट क्या है, ईट की सेकेंड फॉर्म है, ईट एट, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट एट ईटन, ये थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर क्या आएगी, अब यहाँ पर आएगी हमारी ईट की थर्ड फॉर्म, तो अ मैंगो वाज ईटन, अ मैंगो वाज ईटन, एक आम खाया गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमारा रूल थर्ड कहता है कि जब भी हमें एक्टिव वॉइस से चेंज करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा पैसिव वॉइस में क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, जब हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं, उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। ठीक है, और रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज करना पड़ता है। तो ए मैंगो वाज ईटन बाय हिम, कि उसके द्वारा एक आम खाया गया। ठीक है बच्चों, आया था समझ में, कोई डाउट किसी के, नो सर। कनिष्क, ऋषभ, ओके चलो अभी देखते हैं अपन उस टाइप को, जैसे ही हैज ईटन
a mango. He has eaten a mango. उसने एक आम खा लिया है या फिर वह एक आम खा चुका है. ये हमारा है एक्टिव वॉइस में, ठीक है. ये हमारा है एक्टिव वॉइस के अंदर. और टेंस कैसा है? टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जिस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस रहता है उसी टेंस में हमें पैसिव वॉइस को भी रखना होता है, ठीक है. अब वही रूल सेम टू सेम रूल फॉलो करेंगे. क्या रूल फॉलो करेंगे कि जब हमें एक्टिव वॉइस से चेंज करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाता है सब्जेक्ट. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो. ये क्या बन जाएगा? ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा. तो अ मैंगो. इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमारा सब्जेक्ट आ गया. अब क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना. और फिर क्या चाहिए? फिर हमको मैन वर्ब चाहिए. तो हमने देखा था कि जब कभी भी एक्टिव वॉइस के अंदर हैज या हैव दे रखा है, ठीक है, तो हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारी आती है ना. जब हमारे पास क्या हो? एक्टिव वॉइस के अंदर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, और जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो ये चेंज हो जाते हैं अपने हैज या हैव प्लस इसमें लग जाता है हमारा बीन, और साथ में रहती है हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है. तो यहाँ क्या जाएगा? अब डिपेंड करता हैज आएगा या हैज आएगा. यह डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट कितने हैं. हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे कितना है? अ मैंगो, एक आम. एक आम है, सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है. और जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यूज करते हैं हैज का, और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यूज करते हैं हैव का. यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज. अ मैंगो हैज. इसके बाद में बीन. ए मैंगो हैज बीन. फिर थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म किसकी? जो भी एक्शन, जो भी काम एक्टिव वॉइस में हुआ है उसी एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अब ईटन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, उसको भी रखेंगे अपन ईटन. तो ए मैंगो हैज बीन ईटन. अब हमारा हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. अगर पैसिव वॉइस में है तो ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर जोड़ते हैं, ठीक है. ठीक है, रहता क्लियर रहता सबको? बताए इतना तो सबको याद रह रहा है, ठीक है, ओके. तो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? ही है ना. रूल कहता है कि जब हम कभी भी एक्टिव वॉइस से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का बन जाता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से पहले अपन बाय का यूज करते हैं. तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम. और ये हिम यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि हमने ही को बनाया है ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही काम में लेना है. ओके बच्चों, तो समझ में आ गया. ये था अपना असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. अब इसमें देखते हैं अपन, ये हमारा था पॉजिटिव. अब देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है. एक नेगेटिव सेंटेंस और देखते हैं. ये थे हमारे असर्टिव के अंदर सेंटेंस हमारे पॉजिटिव. अब देखते हैं अपन असर्टिव के अंदर ही नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि ही इज नॉट प्लेइंग. ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है. ये हमारा है एक्टिव में, इसको चेंज करना है पैसिव में. रूल कहता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट. तो क्रिकेट बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्रिकेट. बाद में अगर एक्टिव हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए. रूल क्या था कि अगर एक्टिव वॉइस में इज आरम प्लस आई एन जी हो तो क्या बन जाता है पैसिव वॉइस में? इज आरम प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है ना. तो इज आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा? बिकॉज क्रिकेट इज सिंगुलर नाउन, इसलिए इज, क्रिकेट इज. अब हमारे पास नॉट है.
नॉट किसको नेगेटिव कर रहा है, नॉट नेगेटिव कर रहा है हमारा इस मैन वर्ब को नेगेटिव कर रहा ना, तो हमें इस मैन वर्ब से पहले ही नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो एक क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, नॉट बीइंग प्लेड। अभी यहाँ पर बीइंग के पहले क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि जो बीइंग है ना, ये बीइंग इस प्लेड का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है, क्योंकि हमारा टेंस किसमें है, हमारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ये जो बीइंग क्या कर रहा है, बीइंग इस प्लेड को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखा रहा है, इसीलिए बीइंग इस प्लेड के साथ ही रहेगा। और हमने देखा है नॉट कहां पर आता है, नॉट आता है अपना हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इज और बीइंग के बीच में नॉट का यूज किया है, क्योंकि बीइंग क्या है, बीइंग इज मैन वर्ब का ही पार्ट है। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, हिम क्यों आ गया है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें ही का बनाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि बन जाएगा हिम, और उस हिम को जोड़ देंगे हम बाय से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम बाकी का अपना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो सेंटेंस हमारे बच गया है इंपेरेटिव, उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है।